بسم الله الرحمن الرحيم दूर करो हकीकत से। ये इनका एजेंडा है पूरा। कारून और क्या कहते हैं, सब हमारा है। हमने स्पेस भेजा, हमने चांद पे भेजा। अबे भाई, चांद पे इतने 100 साल पहले भेजा था, 100 इतनी पता नहीं, 1960s में, 50s में, 60s में जब भी भेजा तो दोबारा भी तो भेज देते। अभी तक दोबारा क्यों नहीं गया कोई? आप सोचे ना, आप लोग, मैं ही बताऊं आप लोगों को क्या खुद सोचे आपके भाई, चांद पे उसको भेजा था, वो आर्मस्ट्रांग, नील आर्मस्ट्रांग गया था चांद पे। अच्छा, मुसलमान इतने पक्के, हमने बोला अजान की आवाज आई थी उसको, वो गया ही नहीं कभी चांद पे। अगर गया था तो अब तक तो मोहल्ला तो जा चुका होता चांद पे। एक शख्स गया, इतने साल हो गए, तो अब तक तो आप किसी एक स्टेट को तो भेज देते चांद पे, दुकानें लगा देते, कंपनी खोल लेते। चांद पे गए नहीं, दोबारा मार्स पे जा रहे हैं, मार्स पे भेज रहे हैं। अबे दुनिया तो सही कर लो, अपने मुल्क सही नहीं हो रहे तुमसे, उनके हुकूक पामाल हो रहे, मार्स पे जा रहे हो, दुनिया को पागल बना रहे। जो हॉलीवुड बोलता है बस वही सच है, हम भी वही है। तमद्दुन तफक्कुर की जंग है ये। अगर हम बेदार नहीं हुए तो हम बह जाएंगे इसके अंदर। कंफ्यूज रखो इनको आपस में, इतना कंफ्यूज रखो इन्हें पता ही नहीं चले कि असल है क्या, करबला असल हो कहां रही है। आप रंग रहे हैं, आप मजलिसों में, हम अपने असल, हमारी दसगाह यही है जिदाने मोहतरम। ये किसी के पास नहीं है दुनिया के अंदर, ये सिर्फ हमारे पास है। कोई भी किसी के पास इतना स्ट्रांग पैनल नहीं है जो पूरी दुनिया में हर मुल्क हर जगह और पूरे साल होता हो। हमारे पास है, सिर्फ हमारे पास, ठीक है। अगर वो बेदार ना करे, सुला दे, तो हमें खुद पता होना चाहिए जाने मोहतरम हमारे साथ खेला जा रहा है। कब तक इन नस्लों को बर्बाद करेंगे? कौन जवाब देगा इमाम जमाना को?